अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमदान फूड प्रिपरेशन 2023 मेक एंड फ्रीज इफ्तार रेसिपीज़। तो यहाँ जी मैं ले ली थी बोनलेस चिकन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिल्ली के साथ ना अच्छा सा मैरिनेट करके बॉईल कर ली थी और इसे अच्छा श्रेड कर ली थी। और यहाँ मैं बना रही थी चिकन मलाई कटलेट, और ये पोटैटो ले ली थी हाफ के जी है बोनलेस चिकन, और आलू जो है ना वो 3 अदद है मतलब मीडियम साइज़ के। और यहाँ बहुत ही मुख्तसरन तौर पर मैं बता रही चिकन मलाई कटलेट की रेसिपी, वैसे मैं डिटेल में बता चुकी हूँ एक बार, और मैं अपने चैनल पे ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग तफसील से उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ बस मैं बहुत ही मुख्तसर तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मलाई वगैरह डाली थी मैं क्रीम मिन्स, और यहाँ पे ना चीज़ स्लाइस डाल दी थी, जीरा काली मिर्च गर्म मसाला और पुदीना हरा धनिया, दैट्स इट। और यहाँ बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ठीक है। और यहाँ ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, अगर आप लोगों के पास है रेडीमेड ब्रेड क्रम्स तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं यहाँ फ्रेश ब्रेड क्रम्स बना रही थी। तो 4 से 5 मैं ले ली थी ब्रेड, और बस इसे अच्छा सा कर देंगे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड बारीक सा, और इसे थोड़ी देर मतलब रोस्ट भी कर सकते हैं, मैं तो नहीं करी थी, बस मैं ऐसे यूज कर ली थी। अच्छा यहाँ पे ना जो शेप है ना वो शेप दे सकते हैं आप, सर्कल दे दे, ओवल दे दे, एज यू विश, या फिर जैसा हम सिलेंडर शेप में दे सकते हैं। और यहाँ ऑयल ले ली थी और हल्का सा ग्रीस करेंगे अपना पाम एरिया हाथ का हथेली, और बस ऐसा जैसा भी आपको शेप देना आपकी मर्जी है। और यहाँ आप अंडे में डिप करके ना फिर ब्रेड क्रम्स में भी एड कर सकते हैं। अच्छा वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, इसलिए ना मैं सिर्फ ब्रेड में ही मतलब मैं ये अच्छे से ना इसको क्रिस्प करना चाहूंगी, मतलब सिर्फ ब्रेड का ही मैं यूज करूंगी। आप अंडा और ब्रेड का जो ये ब्रेड क्रम्स है ना उसका भी मतलब यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ना आप केलॉग्स जो कॉर्नफ्लेक्स रहता है ना तो उसका भी यूज कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स की जगह, ठीक है। जो वर्मसली सेवई रहती है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, जो भुनी हुई सेवई रहती है ना तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, कच्ची सेवई नहीं, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स की जगह आप 2-3 मतलब ये अज्जा जो है वो आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ जी मैं रख दी थी ओवरनाइट के लिए, और आप चाहें तो ना 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ठीक है, उसके बाद अपन ये रख देंगे अच्छे से जिपर बैग जो रहता है ना जिप लॉक बैग, तो उसमें आप रख सकते हैं, या फिर यहाँ तो मैं जिप लॉक बैग में नहीं रख रही थी, यहाँ ये बेकिंग पेपर जो रहता है ना बटर पेपर जो बोलते हैं, तो वहाँ पे मैं ये डब्बे में मैं फ्रीज कर रही थी, ठीक है, बहुत मज़े का बनता है। तो आप लोग डिटेल में रेसिपी ना लिंक पे मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप लोग जरूर चेकआउट करें। ये बस मैं ऐसी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसका। तो खैर, और इसके साथ साथ मैं बनाई थी ये थ्रेड चिकन बोलते हैं, चिकन क्रिस्पी बोलते हैं मुंबई में, तो वो बहुत ही फेमस है, तो आप लोग उसकी भी रेसिपी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे न्यूली है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। और यहाँ बस ये रॉकी भी मेरा साथ दे रहा था। अच्छा जी, यहाँ थ्रेड चिकन की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ 1/2 kg था ये बोनलेस चिकन, आप 1 kg भी ले सकते हैं। तो यहाँ ना ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे, और 1 teaspoon सिर्फ ले लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ तिक्का बोटी मसाला ले सकते हैं। यहाँ मैं जर्दे का रंग डाल दी थी जो फूड कलर रहता है ना, तो वो, और यहाँ रेड चिली पाउडर कश्मीरी मिर्च था, ठीक है जी। और यहाँ नमक हसबे ज़रूरत, और आप किसी भी ब्रांड का तिक्का बोटी मसाला, तंदूरी मसाला, सीख कबाब मसाला ले सकते हैं। और 1 अंडा शामिल करी थी, अगर आप 1 kg के लिए बना रहे हैं तो फिर इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं, 2 अंडे शामिल करें, ठीक है। यहाँ 1/2 kg का मैं बना रही थी। अच्छा जो यहाँ पे ना जो वो मुतबक था ना जो शीट था स्प्रिंग रोल का, तो उसे मैं अच्छे से पहले ना ये अलग अलग कर लूंगी, सेपरेट कर लूंगी सब, ताकि फिर बाद में मुझे परेशानी ना हो। तो ये पूरा सेपरेट कर लेंगे और इसे बिल्कुल थ्रेड की शक्ल में मतलब ऐसा पतला पतला अपन कट कर लेंगे, ठीक है। आप नाइफ की भी मदद ले सकते हैं और सीजर से भी आप कट कर सकते हैं, तो मैं नाइफ से ये पतला पतला ऐसा थ्रेड अपन ये कट कर लेंगे। तो इसलिए कहते हैं थ्रेड चिकन, और वहां पे ना हम लोग के इधर मुंबई में ना क्रिस्पी चिकन बोलते हैं, चिकन क्रिस्पी ऐसा। अच्छा यहाँ पे ये कट हो गया, बहुत जबरदस्त था, यहाँ देखें। और यहाँ पे ले लेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून मैदा, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे।
पूरा, ताकि ना अच्छे से ये स्टिक करे अपने चिकन में, ठीक है। और आप अंडे की जगह ना दही भी शामिल कर सकते हैं, अगर अंडा आप अवॉइड करना चाहें तो दही भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल हाफ के जी के लिए 2 टेबल स्पून आप लोगों के लिए दही बिल्कुल सफिशियंट रहेगा, ठीक है। अगर 1 केजी के लिए तो 4 टेबल स्पून आप दही शामिल कर दें, ठीक है। तो अंडे से ना वैसे बेस्ट रिजल्ट आएगा, तो अंडा अगर शामिल करते ना तो वो मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें, यहाँ ज़बरदस्त सा ये ऐसा हो गया, और बस इस तरीके से अपन इसको स्टिक करेंगे। बहुत मज़े का बना था और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ऐसा दिखने में लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत फटाफट बनता है। आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया ना तो इस रमज़ान आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट आएगा। वो कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, और मतलब अच्छा मज़े का रिजल्ट आएगा। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह आप लोगों की फैमिली फ्रेंड जो भी है तो जिसके लिए बनाएंगे तो वो सबके लिए बहुत अच्छा लगेगा, वो लोग को भी। और यहाँ पे बस ये दूसरा भी मैं ऐसी रेडी कर ली थी, और जो एक्स्ट्रा बचेगा ना तो फिर अपन ये बाउल में शामिल करके और फिर तीसरा चौथा जो भी रहेगा तो ये बना ली थी। अच्छा, इसके साथ ना मेरा मतलब अच्छा खासा बन गया था, 10-12 मतलब ये चिकन ना बन गए थे अच्छे से, यहाँ देख सकते हैं। और ये ट्रे के अलावा भी ना 4 मतलब दूसरे प्लेट में मैं रखी थी। अच्छा, अब आ जाते हैं ये फ्राई करने के प्रोसेस पे। और यहाँ मैं फ्रीज़र में से निकाल ली थी चिकन कटलेट जो है, और यहाँ पे बस फ्राई करेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे अच्छा सा ना क्रिस्प कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी अपना चिकन और ये जो पोटैटो है ना तो वो सब तो पका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो यहाँ देखें, अगर आपको डबल कोटिंग करनी है ना तो आप अंडे के साथ कर सकते हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा ना हैवी लगता है मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही सिर्फ मतलब इसके साथ ही फ्राई कर रही थी एक मतलब कोटिंग करके। और यहाँ जी इसको भी फ्रिज में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। बिल्कुल भी आपका ना तेल मतलब गंदा नहीं होगा, मीन्स वो जो चिकन का जो क्रिस्पी चिकन है ना ऊपर का लेयर, तो वो सब अलग अलग नहीं होगा। इसलिए आप 1 से 2 घंटे के लिए बेस्ट रिजल्ट आने के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद फ्राई करें। अच्छा, यहाँ पर ना मतलब 2-3 मिनट देंगे दोनों साइड, ठीक है, 2 से 3 मिनट एक साइड, 2 से 3 मिनट एक साइड, क्योंकि अपन को चिकन को भी बनाना है, पकाना है, ठीक है जी। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ आ गए थे हम लोग दम्माम, आज आ गए हैं हम लोग दम्माम, और बस हुदा आई है। हाँ हुदू, हाँ इधर से चलते ना इधर। आ गए हम लोग टोयोटा मार्केट, क्या बोलते हैं हुदा, रामिज मार्केट, दम्माम टोयोटा मार्केट, रामिज मार्केट सब बोल सकते हैं। और ईद की भी शॉपिंग करेंगे तब और ज्यादा अच्छे से अंदर का दिखाऊंगी। अब कितनी तेज हवा चल रही, हुदू वहाँ खड़े हो, एक फोटो निकाल लूँ आपका। गेट नंबर 2 पे हैं हम लोग। हुदू वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, अच्छा थंबनेल के लिए मस्त आएगा। आप ले रहे फेस इधर देखो जी, चलेगा चलेगा ऐसे, हाँ चलो चलो, जब भी उतना ज़्यादा मैं अंदर का नहीं दिखाऊंगी, जब हम लोग ईद की शॉपिंग करेंगे ना तब ज़बरदस्त सा विजिट करेंगे अंदर का भी, अभी फ़िलहाल सिर्फ हम लोग शॉपिंग करेंगे, है ना हुदू, रमजान डेकोरेशन। अच्छा, रमज़ान से पहले बना के और फ्रीज़ करने का पर्पस यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना टाइम मिल जाएगा इबादत करने के लिए, क्योंकि कहते हैं इबादत का ही महीना है ये, रहमतों भरा महीना है, रहमतें समेटिए। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक में ज़्यादा इबादत करना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और माफ़ी तलब करने और माफ़ करने का महीना है, एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए, कोशिश करें कि हमारी ज़ात से किसी की दिलाज़ारी ना हो। हाँ, अगर हम किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो लेकिन कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो बिल्कुल ये था जी आज का व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप लोग चैनल पर न्यूली विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़र आई डी अंसर इफ्रा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और इन दोनों रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।